राष्ट्र के नाम संदेश हेतु हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कृपा पूर्वक आग्रह करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा। इतने महीनों से देश के हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई, बहुत कम समय में आ गई। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत। जरूरी सेवाओं और देश 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं। అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు శ్రీవల్లి. నేను డిఎంహెచ్ ఆఫీస్లో ఫీల్డ్ వర్క్ అండి, ఫీల్డ్ లెవెల్ హెల్త్ వర్క్ అండి. ఎన్పిపిసిఎఫ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఫస్ట్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ నాణ్యమే సెలెక్ట్ అయింది వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడానికి మన జీజీహెచ్లో, గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో. ఇప్పటికి వేసుకొని 20 మినిట్స్ అయింది, 20 to 25 మినిట్స్. ఏమి ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదండి, పెయిన్లెస్ ఇంజెక్షన్, ఏమి ఇబ్బంది అయితే లేదు, బాగానే ఉన్నాను.